शुरू करते हैं। आज हम कुछ वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले लिखवा देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाट यानी कि क्या, ठीक है। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। उसके बाद वेयर, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। ये वो वर्ड मीनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ हमें याद नहीं होती कि कौन कौन सी डब्ल्यू एच फैमिली में आती है, यानी कि कौन कौन सी पर्सन वाचक होती है, जो हमें सारी नहीं पता होती। तो आप देख रहे हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, तो कहीं पर भी अगर डब्ल्यू एच साथ में होता है तो एच को हम नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब मैं आगे लिखवा देती हूँ और कौन कौन सी वर्ड मीनिंग होती है जो क्वेश्चन वाचक होती है। तो जैसे कि वाई यानी कि क्यों, यहाँ पर भी देखिए डब्ल्यू एच में हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाई, क्योंकि हम यहाँ पर आई, वाई को आई पढ़ रहे हैं। और हाउ, हु, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्यों होता है, इसका मतलब कैसे, कौन, किसने, ये भी डब्ल्यू एच फैमिली में आता है। तो आप इसको भी लिख लीजिए, ओके, सही से लिख लीजिएगा। हमारी जो कोचिंग चलती है वो जूम ऐप पे चलती है, यानी कि कहीं से भी आप हो, चाहे विदेश से हो या फिर कहीं भी रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर बैठे हमारी क्लास ले सकते हैं, जिसमें हम 1 घंटा रोजाना पढ़ाते हैं और जिसमें हम आपको पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सिखाते हैं, बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कैसे सीखूंगा या सीखूंगी, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। चाहे फिर आपको अपना नाम भी लिखना ना आता हो तब भी आप सीख सकते हैं। चलिए और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको पहले फ़ोन नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको अगर कोचिंग करनी हो तो आप उस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकें। तो चलिए पहले नंबर लिख लेती हूँ ताकि आपको पता चले। हमारा फ़ोन नंबर है जिसपे आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैसेज करने से ये फ़ायदा हो गया कि हम ऑनलाइन 24 घंटे रहते हैं तो आपको आंसर दे पाएंगे। लेकिन कॉल आप करेंगे तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कॉल नहीं मिल पाती है, तो इसलिए आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और या फिर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका नंबर मिल रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, चलिए अब मैं आपको आगे की वर्ड मीनिंग लिखवा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो होम यानी कि किसे या किसको, उसके बाद हुज, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ये भी डब्ल्यू एच फैमिली का, ये यानी कि क्वेश्चन वाचक के, इसका मतलब होता है किसका, किस का। अब मैं ये क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को सारे याद नहीं होते हैं, अब जिनको याद है उनके लिए ये नहीं है, जिनको नहीं पता है ये उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद विच यानी कि इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा। अगर आप लोग लिखना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, सॉरी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपको इसके आगे भी और वीडियोस बना सके। मैं जानती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियोस है पढ़ने के ऊपर है, लिखने के ऊपर बहुत कम है। मैं मानती हूँ आप सही सोच रहे होंगे, लेकिन अब जो वीडियोस आएगी हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख के बाद हम पढ़ने की जगह लिखने वाली ज़्यादा आएगी और पढ़ने वाली एक आधी आएगी वीडियो, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो ये आपने देखा विच यानी कि कौन सा। इसमें भी देखिए, अगर डब्ल्यू एच साथ में होता है तो हम सॉरी एच को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे लिखवा देती हूँ। हाउ मैनी यानी कि इसका मतलब होता है कितने, कितने, और हाउ मच यानी कि कितना, हाउ मच यानी कि कितना, कितना, ओके। तो ये भी आप लिख लीजिए, एक मिनट थोड़ा सही कर देती हूँ, आप इसे लिख लीजिए, ओके। तो ये हमने सीख लिया है। अब मैं कुछ ऐसे जो हमारे सेंटेंस होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हम लोग बोलते भी हैं, मैं उसको आपको लिखवा देती हूँ और समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि एट लास्ट यानी कि अंत में, यानी कि आखिरी में, एटलीस्ट यानी कि कम से कम, हम बोलते हैं ना एटलीस्ट ये तो हुआ, कम से कम ये तो हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि और भी होता है एट फर्स्ट यानी कि इसका मतलब होता है प्रारंभ यानी कि शुरू में, अगर मैं सुधींदिनी बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, एट फर्स्ट क्या मतलब होता है, शुरू में, शुरू में, ओके। उसके बाद जैसे कि एट टाइम्स यानी कि कभी कभी, एट टाइम्स यानी कि कभी कभी, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, ओके।
उसके बाद और भी है, जैसे मैं आपको पहले आगे लिखवा देती हूँ। ओके एक मिनट रुकिए, तो ये मैं आगे और लिखवा देती हूँ जो है, ठीक है, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, एट वेस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे कि हमने लिखा एट वेस्ट हो गया, और भी है जैसे कि एट टाइम, एट अ टाइम यानी कि एक वक्त में, ऐसे बहुत सारे हैं। जब मैं आपको कल जो वीडियो आएगी उसमें एट के बारे में बताऊंगी, तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से सीखना तो देखिए इसको सीखिए, और अगर आप इससे ज़्यादा बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं।